हेलो दोस्तों, एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 12th की ज्योग्राफी है ये, और ज्योग्राफी के हम पार्ट पढ़ेंगे आज। आज फर्स्ट पार्ट है ये ज्योग्राफी का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज मैंने क्या लिया है, चैप्टर उठाया है। ये चैप्टर मैंने फर्स्ट उठाया है, आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आज हमने ये लिया है। अब मैं क्या करूँगा, आपको चैप्टर पढ़ाया करूँगा, वो भी पूरा कंप्लीट, यानी कि पार्ट वाइज। हर चैप्टर को हम कम से कम भी तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज पहले चैप्टर का, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका ये भाग एक है, यानी पार्ट वन है। और पार्ट वन में हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो बच जाएंगे हमसे वो उसको हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट में। तो जैसे कि मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अगर दूं, तो हमारे चैप्टर का नाम ये था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे पहले जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल क्या है, यानी कि ज्योग्राफी क्या है। तो ये हमारा एक ऐसा विषय है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं हम भूगोल के अंदर। और किस रूप में, कि मानव के आवास के रूप में, यानी मानव जो है वो कहाँ पे रहता है, पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी में ही जीवन है, यहीं पे हमारे पेड़ पौधे, जंगली जानवर, इंसान, सब कुछ क्या है, पृथ्वी में ही रहते हैं। इसके बाद भूगोल को हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला हिस्सा है भौतिक भूगोल, यानी कि विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, इसे भौतिक भूगोल कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं पार्ट, वो होता है हमारा मानव भूगोल। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल जो होता है हमारे चारों ओर, जो भी हमारे चारों ओर हैं उसे हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे चारों ओर क्या मिलेगी, हमें मिट्टी मिलेगी, हमें क्या मिलेंगे, हमें पहाड़ मिल सकते हैं, हमें पेड़ पौधे मिल सकते हैं, ठीक है, हमें जानवर मिल सकते हैं, ठीक है, जलवायु, हवा, पानी, ये सारी चीजें क्या है, हमारे चारों तरफ है, हम इन सब चीजों से घिरे हुए हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सब आते हैं भौतिक भूगोल में। और इसी भौतिक भूगोल के बाद हम पढ़ते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल, यानी ये जो भी चीजें हमने यहाँ पे लिखी थी वो सारी चीजें भौतिक भूगोल और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी कि भौतिक भूगोल और हम उसके हम मानव से क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो, देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ से समझ में आएगा। देखो भाई, ये मान लो एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे है एक मानव, ये हो गया हमारा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में यही था ना, पेड़ पौधे नदी जो भी हमें दिख रहा है, और ये है मानव। मानव का भौतिक भूगोल से क्या संबंध है, ठीक है, या भौतिक भूगोल से मानव किस प्रकार से संबंधित है, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं हम इसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। अब कैसे संबंध है हमारा ये देखते हैं। ये जो पेड़ था, जो भी हम देख रहे थे पेड़ था, इस पेड़ से हमें क्या मिलता है, इससे हमें लकड़ियां मिलती हैं, इससे हमें हवा मिलती है, पेड़ से ऑक्सीजन मिलेगी हमें, इनसे फल फल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे, ठीक है, छाया मिल जाएगी, जो भी चीज़ें हमें मिल रही है और उसका इस्तेमाल कर रहा है मानव, यानी कि मानव इससे प्रभावित हो रहा है। तो ये ही कुछ होता है इसमें भूगोल के अध्ययन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई एक क्वेश्चन, प्रश्न हमारा ये है कि मानव भूगोल जो है उसको परिभाषित करो, यानी मानव भूगोल की परिभाषा दो। अभी आपने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, आप देखोगे हमने क्या पढ़ा था, मानव भूगोल, यही पढ़ा था। अब ये इसकी परिभाषा पूछ ले हमसे क्वेश्चन में। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, कि यानी कि मनुष्य जो है और उसका जो भौतिक पर्यावरण है, यानी हमारे चारों तरफ जो भी हमें घेरे हुए हैं, पेड़ पौधे, नदी, जो भी हमें मिलता है, वो सभी मानव का उससे क्या संबंध है, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, मानव भूगोल के अंदर। यही सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, याद आया होगा, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक था पेड़ और एक था मानव, और ये मैंने बता दिया था ये भौतिक भूगोल के तहत, और ये मानव, इसका इससे क्या संबंध है, ये मैंने आपको बताया था, यही पढ़ते हैं हम मानव भूगोल के अंदर। आई होप आपको इस उदाहरण से अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम एक परिभाषा ले लेते हैं। ये जो वैज्ञानिक होते हैं, या फिर ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातों को कहते हैं,
और इन्होंने भूगोल वेत्ता भी कहा जाता है इनको, जैसे भूगोल वेत्ता है वो भूगोल के बारे में जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में, तो उन्होंने परिभाषाएं दी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिया है एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक परिभाषा दी थी मानव भूगोल के बारे में, तो चलो उनकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनकी परिभाषा ये है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। यानी कि देखो मानव जो है, ये हमारा मानव जो है ये क्या है, ये क्रियाशील है, आपको पता होगा ये कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है भाई, ठीक है, मानव हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ये क्रियाशील है। और जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, स्थिर तो है नहीं, अस्थिर है, आपको पता भी होगा हमारी पृथ्वी भी कहीं ना कहीं क्या करती है, अपने अक्ष पर चक्कर काटती है। तो इस पृथ्वी और इस मानव, इनके मध्य जो बदलते हुए संबंध है उसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल, ऐसा कहना चाह रहे हैं हमारे एलन सी सैंपल जी। तो इनके तहत ये परिभाषा है। अब दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप हो क्लास 12th में, आपने इससे पहले 11th क्लास पढ़ चुके हो, आप 10th 9th ठीक है सारी क्लासों को आप पास करके आए हो, और 12th के बाद भी आप रुकोगे नहीं, ग्रेजुएशन में जाओगे, एमए करोगे, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, जहाँ पे भी जाते हो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये बता देते हैं आपको कि परिभाषा ना कभी बदलती नहीं है, बदलती नहीं है, इसका मतलब वो मत समझना जो आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है मैं ये बताता हूँ। यानी परिभाषा की जो भाषा होती है ना, लैंग्वेज होती है, वो नहीं बदलती। जैसे कि इन्होंने जो शब्द लिए हैं ना, हमें वही शब्द लिखने, हमें उसको समझ सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं सकते। जैसे कि इसमें लिखा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है, सेम यही वर्डिंग, बिल्कुल डिक्टो यही लाइनें हमको पेपर में लिखनी है, सिर्फ हमें परिभाषा याद करनी पड़ती है, परिभाषा या कह लो रटनी पड़ती है, क्योंकि जिसने कहा है उसके शब्दों के अकॉर्डिंग हमको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर भूगोल जो है वो हमने दो भागों में बांटा है, भौतिक भूगोल मानव भूगोल, ये मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, दो तरह से, एक भौतिक भूगोल दूसरा मानव भूगोल। तो चलो आते हैं हम इस पेज पे। भौतिक भूगोल जो है वो क्या होता है, विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, इसमें भूमि जलवायु मिट्टी पेड़ पौधे और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब किस में आती है, भौतिक भूगोलों में। और मानव भूगोल क्या होता है, इसमें भौतिक भूगोल और मानव के अंतर संबंध यानी मानव और भौतिक भूगोल के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न हमारा ये है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र बताओ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, मानव भूगोल आपकी जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में आप कहीं जाके देखेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में यहाँ पे लिखा होगा मानव भूगोल के स्रोत, नहीं मानव भूगोल के क्षेत्र, फिर एक लाइन खींची होगी, यहाँ पे लिखा होगा मानव भूगोल के उपक्षेत्र, फिर उसके बाद कुछ और लिखा मिलेगा, अगर आप देखोगे आपको मिलेगा, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं आपको, अगर मैंने उसकी पिक ली है तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दूंगा आपको करना है। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ये आ सकता है, बिल्कुल भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र बताओ, तो आपको करना क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र बताने हैं, तो उसमें से आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी है, इतने सारे नहीं आएंगे, मान लो एक दो क्वेश्चन एक नंबर में आएगा तो आपको दो तीन बताने होंगे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हो मानव कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, संसाधनों का भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योगों का भूगोल, तो इस तरीके से मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ तो भाई आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें समझने का जो था वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद देखो ये आपको समझना है, इसे आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है इसको, आपको ये रटना नहीं है, इसको क्या करना है, हमें समझना है, ठीक है, हमको बहुत अच्छे से समझना है कि भौगोलिक विचारधाराएं कि क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने कुछ विचारधाराएं दी अपनी अपनी, तो हमको ये चीज़ें क्या करनी है, हमको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है, तो हमको ये चीज़ें समझनी है। तो देखते हैं कैसे, क्वेश्चन मेरा ये है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद इसका क्या अर्थ है, ये एक विचारधारा है, हमें इस विचारधारा के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखो क्या है, मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में, शुरू में जब आदिम अवस्था में था, आपको पता है आदिम आदिमानव होते थे, किस तरीके से उनका रहन सहन था, वो सारी चीज़ें, यानी उस अवस्था में प्रकृति के अनुसार जीवन जीते थे, यानी नेचर के अकॉर्डिंग जीते थे, प्रकृति के अनुसार अपने को ढालना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। शायद मैंने यहाँ पे नव निश्चयवाद कह दिया है,
जो कि गलत है। ठीक है, शायद मुझसे लिखते टाइम गलती हो गई, मैंने जल्दीबाजी में लिखा था, ये हो सकता है। तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो क्या था, कि आपको पता था कि भाई आदि मानव जब थे उस टाइम पे जीवन कैसा था। आदि मानव भाई कंदमूल खाते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में सोते थे, ठीक है, इस तरीके से जीवन बिताते थे। ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उनको प्रकृति के बारे में, तो वो क्या करते थे, जब बिजलियाँ कड़कती थी, मान लो बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो जो आदि मानव वगैरह थे वो डर जाते थे कि ये क्या हो गया। वो सोचते थे शायद ये प्रकृति का प्रकोप है, यानी प्रकृति जो है वो हमसे क्या है, नाराज़ है, भगवान जो है वो हमसे नाराज़ है, इसीलिए वो बिजलियाँ कड़का रहे हैं हमको सजा देने के लिए। ऐसा सोचते थे, कौन सोचते थे ऐसा, ऐसा सोचते थे वो आदि मानव। और वो क्या करते थे, प्रकृति से डरते थे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। यही है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ये प्रकृतिवाद, पर्यावरण निश्चयवाद है। तो आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी, ये विचारधारा समझ में आई होगी। अगली विचारधारा देखो क्या है, एक विचारधारा है संभववाद, ये थोड़ा सा उससे हटके है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो मनुष्य था उसकी प्रकृति को, नियमों को समझने लगा, यानी आदि मानव हमेशा आदि मानव थोड़ी ना रहा, धीरे धीरे उसका विकास होने लगा। अब वो आवारा जिंदगी नहीं बिताता था, पहले वो इधर से उधर घूमता रहता था, ऐसी लाइफ बिताता था, लेकिन अब उसने गुफाओं में रहना शुरू करा, उसने खेती करना शुरू करा, यानी कि जैसे जैसे वो प्रकृति के नियमों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा, वैसे वैसे उसका क्या होने लगा, उसका विकास होने लगा। प्रकृति के नियम समझकर प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी जो ये जो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। तो जैसे जैसे उसने क्या करा, नियमों को समझा, प्रकृति के नियमों को, तो टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, विकास किया, और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। बस इतना ही फर्क था पहले वाली विचारधारा जो हमने पढ़ी थी, ये वाली आपने देखा होगा, इसमें पर्यावरण निश्चयवाद, इसमें क्या था कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था और उसके अनुसार अपने आप को ढालता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है, ठीक है, यानी उसका अपोजिट है ये। तीसरी विचारधारा है, ये है नव निश्चयवाद विचारधारा, इसको हम आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं और इसको हम वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं, यानी अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। तो इसके अनुसार क्या है, नव निश्चयवाद जो होता है वो प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता और प्रकृति में का अति दोहन दोनों के निषेध करता है, यानी दोनों को मना करता है और बीच के रास्ते को अपनाने को कहता है। यानी इनके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि ना तो भाई हमें प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर होना चाहिए, या हमें क्या, ये कहता है कि हमें प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहता है कि ना ही हमें क्या होना चाहिए, प्रकृति का अंधाधुन दोहन करना चाहिए, यानी अंधाधुन दोहन नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये है नव निश्चयवाद। तो मैंने आपको तीन विचारधारा बताई, एक प्रकृति, ये जो लास्ट वाली हमने पढ़ी थी ये थी पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी हमने पढ़ी संभावनावाद, तीसरी हमने पढ़ी नव निश्चयवाद। अब चलते हैं हम अगले पेज पे और देखते हैं, यहाँ पे ये है, मैंने क्वेश्चन लिया है आपकी सपोर्टिंग से, तो सपोर्टिंग में ये क्वेश्चन था और मैंने सेम क्वेश्चन आपको बताया है थोड़ा सा। इसमें देखो, मानव भूगोल की परिभाषा दो, अब यहाँ पे मानव भूगोल की परिभाषा देनी है, तो रेट जल, यानी रेट जल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। लेकिन परिभाषा मैंने आपको बताया था, आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको बिल्कुल डिक्टो वैसी की वैसी लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि ये इसके बीच में संबंध है, ठीक है। और वैसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो बहुत भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों और विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या होता है, हमारा मानव भूगोल, यानी कि जो हमारा भौगोलिक वातावरण है, जो भौतिक वातावरण है, और मानव जो है, मैंने बताया था अभी आपको याद आया होगा एग्जाम्पल ये वाला, यानी हमारा पर्यावरण और हमारा मानव, इस इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताना था, ठीक है। इसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा, आप या तो रेड जल की याद कर लो या उसकी सैंपल की याद कर लो, ये दो तीन जो भूगोलवेत्ता थे इन्होंने परिभाषा दी थी, आप किसी की भी याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के क्षेत्र बताओ, अगर आपको याद हो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था मानव भूगोल के उप क्षेत्र, देखो ये क्या था, मानव भूगोल के उप क्षेत्र, और अब हम कर रहे हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। तो ये क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या होते हैं ये समझ लो,
ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मैं कोई एक चीज उठा लेता हूँ, मैंने उठा लिया मान लो इसमें से क्या उठाऊँ मैं, सांस्कृतिक भूगोल, चलो मान ले मैंने सांस्कृतिक भूगोल उठा लिया, तो ये तो हो गया मानव भूगोल का क्षेत्र, यानी मानव भूगोल में हम सांस्कृतिक भूगोल पढ़ते हैं। अब सांस्कृतिक भूगोल के अंदर मान लो हम चार तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ये इसके उप क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप नोट मेकिंग करते हो, नोट्स मेकिंग इंग्लिश में, एक आप हेडिंग डालते हो, फिर उसके बाद उसके सब हेडिंग डालते हो, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट लगाते हो, तो इस तरीके से होता ही है, समझ गए? तो ये कुछ वैसा ही है। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो ये हैं, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल। ये सारा आपको उस बुक में टेबल में मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। अगले पेज पे आते हैं, ये देखो ये आया हुआ पेपर है, और ये आया था, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, ये आया था 2014 में। तो ये क्या है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन क्रिया होती है, यानी कि भौतिक भूगोल जो है और मानव भूगोल, उन दोनों के बीच में क्या होती है, क्रिया होती है। इस कथन को कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताना है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, आप समझ जाओ, बस ध्यान से देखो इसे, कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य अन्योन क्रिया होती है, सभी जानते हैं। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण हैं, जैसे कि भूमि की बनावट, ये भौतिक भूगोल है। कहीं पे आपको जाओगे तो आपको बिल्कुल समतल मिलेगा, पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो आपको जमीन कैसी मिलेगी, ऊबड़ खाबड़ मिलेगी। यानी कि हो गया ना डिफरेंस, अलग अलग जगह, यानी भूमि की बनावट, जलवायु, जलवायु भी आपको अलग अलग जगह मिलेगी। आप भारत में रहोगे तो यहाँ पे अलग तरह की जलवायु, ब्रिटेन में जाओगे वहाँ की जलवायु अलग तरह की मिलेगी आपको, भारत में गर्म जलवायु मिलेगी तो कहीं वहाँ जाते हैं हम ब्रिटेन वगैरह में, वहाँ पे ठंडी जलवायु मिलती है, और मिट्टी मिलेगी हमें। ठीक है, यानी कि ये सारा क्या है, भौतिक भूगोल है, मिट्टी पदार्थ, जल, वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, ये सब है भौतिक भूगोल। और इन्हीं में क्या रहता है, मनुष्य रहता है इनसे जुड़ा हुआ, यानी मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये सारा भौतिक भूगोल है, ये पहाड़ हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, नदी हो गई, मिट्टी हो गई मान लो, ठीक है, ये जो भी सारी चीजें भौतिक भूगोल है, और ये मानव को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मानव जो है वो इनके बिना नहीं रह सकता है, हमें मतलब हम खाना, अगर हम खाना खाते हैं तो हमें कहाँ से मिलता है वो, पेड़ पौधे से, कहीं ना कहीं हमें फसलों से मिलता है, तो वो भी हमें प्रकृति से मिल रहा है, पानी पी रहे हैं हमें वो भी प्रकृति से मिल रहा है, यानी कि हम, हमारा पूरा का पूरा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो हमारे और इनके बीच में क्या होती है, अनोन क्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। प्रकृति मनुष्य के कार्य और जीवन को निश्चित करती है, कि इन प्रकृति जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से निश्चित करती है, ठीक है, मानव जीवन को निश्चित करती है। मानव जीवन प्राकृतिक साधनों पर ही आधारित है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमने ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह बनाई है, इन सब में प्राकृतिक चीज़ों का ही तो इस्तेमाल हुआ है, प्रकृति का ज्ञान हुआ है, तभी तो हम इन चीज़ों को बना पाए हैं। यानी कि मानव जीवन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है, और उन्हीं प्राकृतिक साधनों के द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से रोजगार, फसल चक्र, परिवहन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करता है, यानी प्रकृति से क्या होता है, मानव को विकास करने का पूरा अवसर मिलता है नेचर के अंदर ही, और मानव इन अवसरों का क्या करता है, उपयोग करता है, और उपयोग करके ही विकास करता है। अब जैसे कि मान लो जहाज उड़ता है, ठीक है, आपने देखा होगा एरोप्लेन जो है वो उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है बहुत तेज स्पीड में उड़ता है, ये सारी चीजें इंसान को कैसे पता लग पाया, जब इंसान को प्रकृति का ज्ञान हुआ, प्रकृति की नॉलेज हुई, तभी वो इन चीजों को कर पाया, वरना भाई ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। अब आसमान में आपको पता होगा कि वो एक निश्चित जगह पर ही उड़ता है, एक परत है उस जगह पे जाके उड़ता है, समताप मंडल कहा जाता है उसको, अगर उससे ना तो जहाज नीचे उड़ सकता है और ना ही जहाज उससे ऊपर जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई, ये सब चीज़ों की नॉलेज हुई है इंसान को प्रकृति के नियमों को जानकर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, कथन को प्रमाणित कीजिए, आपको बताना है कि ये बिल्कुल सही है। कैसे बता सकते हो आप इसको, देखो प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये हम सभी जानते हो, क्योंकि हम जो निर्भर है, हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी प्रकृति से पे ही तो निर्भर है।
हम आपस में क्या करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करी है, कि ये जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण बना है ये प्राकृतिक पर्यावरण में ही बना है, हाँ उसकी नॉलेज से ही बना है। आगे भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों से किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप में कर लिया हमने, तूफान, नदी, ऐसे रूप से हम क्या करते हैं मानवीय घटनाओं का वर्णन करते हैं हमेशा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें थोड़े से ये क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि जो हमारा सपोर्टिंग मटेरियल है वो हमारे लिए बेस्ट है, एक यही चीज़ है जो हमें अच्छी तैयारी करवा सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर के आए एक दो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है अगला कि मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं तथ्यों की व्याख्या करो। विषय वस्तु ये है कि मान लो मानव भूगोल हम पढ़ते हैं, तो इसमें यही पूछा गया है कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मान लो कि पूछ लें कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं भाई देश के बारे में, राज्यों के बारे में, सरकारों के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, संविधान, शासन, विदेश संबंध, विभिन्न तरह के पर्यावरण के बारे में, वैश्वीकरण, ये सब हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ऐसे ही आपसे ये पूछ रहा है कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं कि भौतिक पर्यावरण और मानव, इनके बीच में जो क्रियाएं होती हैं उससे जो सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है, इन सारी क्रियाओं से हम सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं उन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम भूगोल के तहत। फिर क्या है कि पृथ्वी जो है उसको मानव का घर माना जाता है, कि जो पृथ्वी है मानव उस पृथ्वी में ही रहता है, ठीक है, तो इसका अध्ययन करते हैं हम भूगोल के तहत, उसके जो भी तत्व हैं उन सबको समझना, पृथ्वी पे जीवन कैसे है, कारण क्या है, इन सारी चीज़ों को समझना, ये सब भूगोल में पढ़ते हैं। धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उसकी क्षमता का अध्ययन करते हैं, कि धरातल में जितने भी मानवीय जगत हैं सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के जानवर, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं भूगोल के तहत। तो तीन पूछे थे तो तीन ही बताने आपको। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं की आरंभिक अवस्था में मानव अत्यधिक प्रभावित हुआ, शुरू शुरू में जब आदिम अवस्था थी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बिल्कुल कि भाई आरंभिक अवस्था में क्या था, मानव जो था वो प्रौद्योगिक ज्ञान, उसका जो टेक्नोलॉजी वाली नॉलेज थी वो बहुत कम थी। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, यानी मानव को ना ये भी नहीं पता था कि मतलब दो पैरों पे चला जा सकता है, वो चार पैरों पे चलता था, यानी दो हाथों का भी इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसे पता लगा कि भाई वो खड़ा भी हो सकता है, चल भी सकता है। उसके बाद क्या हुआ, वो बिल्कुल जंगलियों की तरह जीवन बिताता था, इधर उधर घूमता रहता था, उसे भूख लगती थी तो जानवरों को मार के खा गया, कच्चा मांस खा लेता था। ठीक है, उसको यही नहीं पता था कि आग भी कोई चीज होती है और उसको पकाया भी जाता है, ये कुछ भी नॉलेज नहीं थी इंसान को। तो ये कह सकते हैं कि आदिम अवस्था में मानव जो था उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो था वो बिल्कुल निम्न था, यानी बिल्कुल जीरो लेवल, बहुत कम था। ठीक है, उस समय पे उसकी जो अवस्था थी उसको आदिम अवस्था कहते हैं, यानी कि उसको कम नॉलेज थी, बिल्कुल आदिम, असभ्य कहा जाता था। फिर इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता, प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था और मानव प्रकृति की पूजा करता था। यानी मैंने बताया ना, जब बिजलियाँ कड़कती थी, बिजली कड़क गई मानव डर गया, उसे लगा कि भाई प्रकृति हमसे गुस्सा हो गई है, यानी नेचर हमसे नाराज है, भगवान हमसे नाराज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में जब उसने धीरे धीरे विकास होने लगा तब उसे पता लगा कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था, यानी जो चीज़ हमें प्रकृति से मिलती थी हम उसके अकॉर्डिंग जीते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, लाइक कर दें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर नहीं करा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम कुछ